वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट इन श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर 33 वीडियो लेक्चर ऑन रिसाइकलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। रिसाइकलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, तो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल we will focus on harmony in self, then we will talk on the self regulation in nature. Harmony in self, ये तभी संभव होगी जब हम खुद स्वयं में देखें, खुद में प्रकाशित हों कि मेरे अंदर किस तरह के विचार हैं। खुद में हम संतुष्ट नहीं हैं तो वो चीज़ आगे पनप नहीं सकती। अंडरस्टैंडिंग द हारमोनी ऑफ आई विद द बॉडी, संयम एंड स्वास्थ्य, तब जाकर के सेल्फ के अंदर, तब जाके सेल्फ के अंदर पैदा होगी रेगुलेशन की स्थिति कि मुझे जीवन किस तरह से जीना चाहिए। जब मैं इस बात को जान जाऊंगा तब जाकर के मैं और दूसरे व्यक्ति को ये सलाह दूंगा। तो मुझे जानना है खुद के बारे में और मेरे शरीर के बारे में, संयम एंड स्वास्थ्य। द ह्यूमन बॉडी इज ए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म। क्या है ये? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिक, किसी दूसरे के द्वारा मैं जीवन नहीं जीता, मैं जीवन मेरे सिद्धांतों या मेरी आदतों के अनुसार जीता हूँ। एंड मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गेन्स एंड ग्लैंड, जिसके माध्यम से मेरे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ और अंगों में कुछ गतिशीलता बनती है वो मेरे हरकतों या मेरे कर्मों के द्वारा होती है। ह्यूमन बीइंग हारमोनी क्या है कि मैं शरीर के साथ में किसके माध्यम से जुड़ता हूँ? सूचनाओं के माध्यम से। तो अस्तित्व में सह अस्तित्व की स्थिति मेरे अंदर है, तो मैं जो हूँ वो कॉन्शियसनेस है मेरे अंदर, और मेरा सब जो शरीर है वो भौतिकवादी है, रासायनिक अवयवों से बनिया, फिजियो केमिकल मटेरियल से बना है। मैं के अंदर, स्वयं के अंदर चेतना होती है और ये संयम होता है, सेल्फ रेगुलेशन, खुद के द्वारा नियंत्रित होना, उसको संयम की स्थिति बोलते हैं। और बॉडी मटेरियल ऑर्डर के बारे में हम संवेदनीय तंत्रिकाओं के माध्यम से समझते हैं कि मेरे शरीर के लिए किस तरह के भौतिक भोजन की आवश्यकता है जिसकी द्वारा उसको स्वास्थ्य रख सकूँ। संयम इज द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन आई टुवार्ड द बॉडी फॉर इट्स नर्चर प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। तो स्वयं के अंदर विद्वान जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो हमारे अंदर एक ऐसी सोच भावना विकसित करती है जिसके माध्यम से मैं मेरी जिम्मेदारियों को समझूं, और वो जिम्मेदारियां सबसे पहले अपने शरीर के प्रति हो, ताकि मैं उचित मात्रा में मैं अपने शरीर का बचाव करूं, उसको संरक्षणता दूं, उसको पोषकता प्रदान करूं। स्वास्थ्य हैज टू एलिमेंट्स, द बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड देयर इज हारमोनी इन द बॉडी। इसमें दो तत्व होते हैं कि जो मेरा शरीर है वो मेरे द्वारा काम करता है, अर्थात मेरा शरीर के साथ और शरीर का मेरे, दोनों के साथ समरता की स्थिति होती है। तो मैं अपने आप को, खुद को समझूं, सेल्फ के अंदर क्या होती है, सेल्फ में शक्ति क्या चीज़ है, ऊर्जा क्या है और उसका कर्म क्या है, उसमें गतिविधि कैसी होती है। स्वयं के अंदर मतलब मैं के अंदर जो ताकत होती है, जो ऊर्जा का पुंज होता है, वो होती है इच्छा, विचार और आशा। इन इच्छा, विचार, आशा रूपी ताकत से, ऊर्जा से, वह सूचनाओं के माध्यम से शरीर से कुछ कार्य करवाता है। तो ये मेरी जो ताकत या मेरा जो ऊर्जा पुंज रूपी जो ऊर्जा है, उसमें गतिविधि किस तरह की होती है? उसमें गति होती है कल्पना करने की, चित्रण करने की और देखने की, परखने की, देखने की, परखने की, टेस्टिंग, रसवादन करने की, चयन करने की।
ये मैं के क्रिया और ऊर्जा होती है। अब मेरे अंदर जो मेरी गतिविधियां हैं वो किस तरह से कार्य करती है। एवरी वन इज डूइंग इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज थ्रू आउट ऑफ द डे सच इज स्टडिंग प्लेइंग ईटिंग स्लीपिंग वन डज थिंकिंग इमेजिंग एनालाइजिंग एक्सपेक्टिंग हैप्पीनेस एटसेट्रा द बेसिक कैपेसिटी फॉर एनी एक्टिविटीज इज पावर। हर कोई व्यक्ति रोजाना विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा पढ़ना खेलना खाना सोना आदि का प्रकार के काम करता है। और दूसरा सोचना विचार करना विश्लेषण करना उम्मीद करना खुश रहना ये भी काम होते हैं। तो ये हमारे अंदर स्वयं के अंदर इस प्रकार की क्षमता होती है वो हर प्रकार की गतिविधियों को सुचारू या शुरू करने की उसमें ताकत होती है। ए डिजायर टू हैव ए बिग हाउस इज इमेजिंग मैं के अंदर कल्पना रूपी एक चीज़ भी होती है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा मकान होता फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द नीड ऑफ आवर हाउस। इन दिस केस द पावर इज डिजायर एंड द एक्टिविटी इज इमेजिंग। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि मेरे अंदर ताकत है इच्छा करने की और इसको पूरा करने की किसके द्वारा करूँ, मैं कल्पनाओं के माध्यम से। वन स्टार्ट्स वर्किंग द डिटेल्स ऑफ द हाउस लाइक नंबर ऑफ रूम्स और फिर व्यक्ति अपने उस इच्छा रूपी गतिविधि के द्वारा कार्य शुरू करता है कि कितने तो उसमें कमरे होने चाहिए कैसा होना चाहिए। दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमेज इज एनालाइजिंग इस विचार के द्वारा वो जो इमेज तैयार करता है तस्वीर तैयार करता है यह विश्लेषणात्मक कार्यवाही या गतिविधि कहलाती है। द डिटेल ऑफ द हाउस आर द साइज लेआउट ऑफ द रूम्स एटसेट्रा ऑल दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिंग और टेस्टिंग। इस प्रकार के कार्यों का चुनाव करने की जैसी क्रियाएं का नाम दे सकते हैं। द एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिंग और टेस्टिंग इज द बेसिक लेवल थ्रू विच द सेल्फ इंटरेक्ट विद द बॉडी। ये जो विश्लेषण करने की जो गतिविधि होती है वो हमारे स्वयं के साथ में जुड़ी हुई होती है ताकि और ये भी देखना होता है कि मेरा शरीर इस लायक तैयार है या नहीं है। देर आर टू पॉसिबल वेज ऑफ द एक्टिविटीज हमारे अंदर दो तरह के संभावित गतिविधि करने के तरीके हैं, विचार आउटसाइड इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। एक आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, बाहरी से आंतरिक और आंतरिक से बाहरी। When self receives sensation from the body, it is tested in self. जब हमारे शरीर के माध्यम से मैं के लिए कोई संदेश पहुंचता है तो वह उसका परीक्षण करता है कि किस तरह का संदेश था। Desire may be set based on the thoughts. इस प्रकार से हमारी जो इच्छाएं होती है हमारे विचारों के द्वारा निर्धारित होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वन इज सीइंग टीवी द आइज इन द बॉडी गिव ए टेस्ट ऑफ सेल्फ। कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, द आइज इन द बॉडी गिव ए टेस्ट टू सेल्फ। थिंकिंग अबाउट द टीवी इज बेस्ट ऑन दिस सीइंग एन इमेज इज फॉर्मड स्लोली फॉर हैविंग ए प्लीजेंट लाइफ बाय वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम। इन दिस वे वन डिजायर टू हैव ए टीवी। हम टीवी देखते हैं, आंखें हमारे शरीर का हिस्सा है, उनके माध्यम से विचार पनपते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, फिर देखते हैं और ये गतिविधि हमारी इच्छाओं में तब्दील हो जाती है। सेलेक्टिंग टेस्टिंग लीड्स टू थॉट्स लीड्स टू डिजायर। विचार ही वस्तु बन जाते हैं, जो हम देखते हैं जिसके माध्यम से विचार कायम होते हैं, विचारों से फिर इच्छा जागृत होती है। इमेजिनिंग कंटिन्यूज ऑल द टाइम। इसके बिना व्यक्ति शांत रह ही नहीं सकता। पीपल आर इमेजिनेटिव थ्रू आउट द डे एंड नाइट। डिजायरिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट डे एंड नाइट।
द एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिंग और टेस्टिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। इस प्रकार से कल्पनाओं से इच्छा पनपती है और इच्छा टेक्स प्लेस थ्रू आउट डे एंड नाइट। धीरे धीरे इच्छा कितनी हमारी राउंडेड होती है। द एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिंग और टेस्टिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। इस प्रकार की हमारी जो गतिविधि होती है चयन करने की परखने की, ये निरंतर चलती रहती है। पीपल्स आर एक्सपेक्टिंग समथिंग और अदर ऑल द टाइम। लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में आशा करते रहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एनालाइजिंग गोज ऑन ऑल द टाइम्स। और हम किस चीज़ के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में हम उम्मीद करते रहते हैं तो फिर हमारे अंदर एक प्रकार की गतिविधि और चटपनपती है, वो काम करती है उसका विश्लेषण करने की। वन मे बी एनालाइजिंग वन प्रॉब्लम सेट वन मोमेंट एंड नेक्स्ट मोमेंट अटेंशन। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक पल में किसी समस्या से जूझ रहा हो, दूसरे पल वह किसी और चीज़ पर ध्यान लगा लेता है। इफ वन पेज अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट एंड देन थिंक्स अबाउट इट स्लोली वन डिसाइड दैट वन वांट्स द प्रोडक्ट बिकॉज हैविंग द मीन्स वन विल बी सीन एज ओनर ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने किसी विज्ञापन के ऊपर ध्यान दिया और उसके बारे में सोचने लग जाता है। धीरे धीरे वह निर्णय करता है दैट वन वांट्स द प्रोडक्ट, कि वह भी इस तरह की प्रोडक्ट की, वस्तु की इच्छा रखता है। बिकॉज हैविंग द मी, इसका मतलब यह होता है कि वन विल सीन एज ओनर ऑफ द प्रोडक्ट, वह उस प्रोडक्ट अपने आप को मालिक सा मान लेता है। वन मे फील ग्रेट बाय हैविंग एन एक्सपेंसिव कार विच बिकम्स डिजायर। दिस इज प्री कंडीशनिंग कंडीशनर डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा है कि व्यक्ति किसी कार के बारे में उसने सोचा, इच्छा की, ठीक है, और दिस इज प्री कंडीशनर्ड डिजायर। उसके पास में नहीं है लेकिन उसकी इच्छा पहले से निर्धारित हो गई और वो इच्छा इतनी ज़्यादा जागृत होती है कि कार का रंग भी देख लेता है, कार की साइज भी देख लेता है और खुद ड्राइव भी करने लग जाता है। वन में नॉट बी क्लियर अबाउट व्हाट वन गेट्स आउट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर। उसको ये पता नहीं कि इसकी इच्छा की पूर्ति कैसे होगी लेकिन उसने इच्छा कर ली। सच डिजायर्स आर नोन एज बेस्ट ऑन सेंसेस। इस प्रकार की जो इच्छाएं होती है वो किसके ऊपर आधारित होती है? सेंसेशन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर आधारित होती है। प्रोग्राम्स टू एंश्योर सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ। सेल्फ रेगुलेशन इज द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ टुवर्ड द बॉडी विथ एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग पर्सन गेट सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड टेक केयर ऑफ द बॉडी। सेल्फ रेगुलेशन से तात्पर्य यही है कि सबसे पहले आदमी अपने आप के द्वारा संगठित हो, आप अपने आप के द्वारा नियंत्रित हो, तभी जा कर के वो अन्य लोगों के लिए कुछ शो कर सकता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड टेक्स केयर ऑफ द बॉडी प्रॉपरली इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इज नॉट एबल टू डू इट एंड द बॉडी बिकम्स अनहेल्दी। अपनी सही सोच और ज्ञान के माध्यम से जब अपने बारे में सही निर्धारण करता है तो वह सेल्फ रेगुलेटेड होता है, उसका शरीर उसके अनुसार ढल जाता है। और यदि वह सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है तो उसका शरीर भी साथ छोड़ देता है। और इससे ज़्यादा, द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स अफेक्ट द बॉडी फेवरेबली। अगर सही ज्ञान सोच के द्वारा मैं अपने आप स्व नियमन का पालन करता हूँ तो मैं स्वस्थ भी रहूँगा और स्वस्थ रहूँगा तो मैं बिल्कुल और कार्यों के लिए भी उपयुक्त रहूँगा। इफ ए पर्सन इज हैप्पी द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द बॉडी आर नेचुरल। अगर व्यक्ति खुश है, खुश मिजाज है तो किसी भी प्रकार का दबाव तनाव उसके शरीर में उदासीन रहता है, दिखाई नहीं देता। इफ ए पर्सन इज एंग्री एंड टेंशन ही फील अनहेल्थी। अगर व्यक्ति हमेशा
दबाव तनाव महसूस करता है, इसका मतलब अपने प्रति वह रेगुलेटेड ही नहीं था। नर्चरिंग ऑफ द बॉडी इज नीडेड बाय अरेंजिंग फूड फॉर द बॉडी। कंप्लीट फूड कंप्रेजिंग ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर एनर्जी ऑफ द बॉडी। सेल्फ रेगुलेटेड से मतलब पहले अपने आप को ऊर्जान्वित करें, अपने शरीर को उचित मात्रा में पोषणता प्रदान करें। इंजेक्शंस ऑफ फूड शुड बी प्रॉपर, द फूड शुड बी च्यूड प्रॉपरली सो दैट वर्क ऑफ द स्टोमक बिकम्स आइजर। डाइजेशन इज द वर्क ऑफ द बॉडी, इन ऑर्डर टू हैव लेस डाइजेशन वर्क पीपल शुड ईट ओनली व्हेन हंग्री, द फूड शुड बी ईजिली डाइजेस्टेड। तो सेल्फ रेगुलेटेड हमें ये नियम ये सिखाता है कि पहले हम अपने खुद के प्रति जिम्मेदार व्यक्त करें, हमें खुद को ये ख्याल होना चाहिए कि कौन किस तरह के पोषण तक मुझे अपने शरीर को देनी चाहिए जिससे मेरा शरीर स्वस्थ और अच्छा रहे। प्रोग्राम्स टू एंश्योर सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ, क्लोथिंग्स एंड शेल्टर आर नीडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, ये भी जरूरी है। रोटी कपड़ा और मकान मुझे शरीर के लिए चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे मुझे अपने शरीर का संरक्षण देना है। द क्लोथ एंड शेल्टर शुड हेल्प इन प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी विद द एनवायरमेंट, प्रॉपर एक्सपोजर टू द एयर, सन एंड वाटर इज नीडेड। ये मैं की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने शरीर की सलामती के लिए किस प्रकार के कदम उठाता है। When unhealthy treatment is given to the body, then medical treatment is needed. जब मैं अपने शरीर के प्रति ख्याल या जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो कुछ दिनों बाद में उसका शरीर रुग्ण हो जाता है, तब उसे कुछ चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रॉपर अनकीप ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग प्रॉपर रेस्ट एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी इज एसेंशियल। उचित मात्रा में उपयुक्त तरीके से शरीर को आराम देना और उसकी प्रॉपर देखभाल करना अति जरूरी है। द बॉडी नीड्स टू डू लेबर फॉर फिजिकल वर्क। शरीर के लिए ज़रूरत है कि वह कुछ शारीरिक श्रम करे। योगा इज गुड फॉर द सिस्टम फॉर द बॉडी। योगा जैसी क्रियाएं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी शुड बी डन सिमिलर टू एनी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट फॉर मैकेनिज्म। जिस तरह से किसी मशीन को चलायमान करने के लिए उसके हर पार्ट्स उपयुक्त मात्रा में काम करने चाहिए, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के साथ भी लागू है। इस तरह से सेल्फ रेगुलेटेड रिसाइकेबिलिटी का जो नियम था वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया। थैंक यू वेरी मच।